लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी सर जनता के भगवान है। हमसे 1200 रुपए लिया गया। हम सोनू सर सूद सर के फैन थे और मनीष भैया के फैन है, आदर्श भैया के फैन है। एक मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग आ रहे हैं, बट गेट पर गए तो आदर्श भैया नहीं है। हम 8 बजे तक वेट किए हैं। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं है। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फोन काहे नहीं किए। किसी का कॉल नहीं उठा रहे। 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फोन किया, 5 दफा उसका कोई रिप्लाई नहीं है। मैसेज भी क्या, कोई रिप्लाई नहीं। जिंदाबाद करते रहते हैं मनीष कश्यप के बारे में। एक बात आप देखिए, पहले कलाकार का क्या इज्जत करते हैं, इस तरह से बिहेव किया। हम सब एक कॉल पे आ गए, लेकिन इस तरह से बिहेव किया हो भैया। भैया मेरे रात भर रोया, कभी भी भैया नहीं रोते, इसलिए सबको एंटरटेन करते हैं। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं। पूरा सूट उठ के प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम गांव का छोड़वा है। हाँ भैया सुन, छोड़ा रहा पॉइंट उठ पहने लुंगी पहने निकल गया ना। बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने आप को कहता है, और ऐसा तो है बहुत लोग आरोप लगा, लेकिन लोग कहते हैं कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार इनको टाइटल कौन दिया ये तो कोई नहीं जानता। क्या सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसका छप्पा है क्या भैया? आपको पब्लिक कौन मार रहा है क्या? सुनो बिहार, अच्छा बार बार वो कहते हैं क्या गलती हो गई, वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, बिहार को तो सबसे पहले पीछे है। उन्होंने कहा ना कि आप किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को पॉपुलैरिटी चाहिए, किसी का प्रमोशन चाहिए? मेरा सिंपल सा यही बात है, देखिए मैं बस सिंपल सी यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीजें हैं मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है, कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के चीजों पर मैं आया हूँ, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भाई आया है, गिद्धू की तुम नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहाँ से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है ना, आपका रिस्पॉन्स होता है। और क्या मतलब, क्या दिक्कत है, पूरा सूट उठ के प्रोग्राम वगैरह खत्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम गांव का छोड़वा है। हाँ भैया सुन, छोड़ा रहा पॉइंट उठ पहने लुंगी पहने निकल गया ना, उतना न चलता। गोविंदा जी ने कहा था ना, गोविंदा जी ने यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और हम मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ। हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते, मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम दोरा सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुनू सूद की आवाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दोनों सूद जी ने जिन दो कलाकारों को बुलाया, इसकी सूचना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी दिया गया और कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि सोनू सूद को मैंने बुलाया है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। और आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आज खुद अपने घर पे वही अपना स्टेज बना लेते हैं, तो यहाँ सोनू सूद की आवाज में अपना बोलिए, आवाज सोनू सूद भैया के पास जाना, क्या अभी सब मुझे ये नहीं पता किसका कितना फैन है, किसका कितना चाहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, आप टेंशन में मत आइए आदर जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है, ठीक है। हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज में। मेरी बात यह है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतजार कर रहे हैं, फोन को ताके जा रहे हैं कि फोन आएगा ना, उस मैडम का फोन आया, ठीक है। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फोन किया, 5 दफा उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। मैसेज भी क्या, कोई रिप्लाई नहीं आया। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं आया। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फोन काहे नहीं किए। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने ऑर्गेनाइजर वही थे, पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आपको मेरे नहीं गया, मीडिया से पैसा लिया गया है, मीडिया को अंदर करने के लिए पैसा हुआ है कि मीडिया को पैसा लिया गया, उसी के साथ रहेगा।
बात है कि अंदर जाए बिना पैसा का मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता था। नहीं नहीं कुछ कुछ उसको मिला है, उनको मिला है वो सीएम वाला नारा। आप नहीं लगाने वाले थे क्या? देखिए हमें ये नहीं पता। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब अपने कर्मों से अपनी चीजों से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि करते जाइए काम, और वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। और लोग कभी कभी होता है ना कि लोग अंधाधुंध प्यार करते हैं, आंख मूंद के प्यार करते, ये जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, आदर सम्मान जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि प्यार, प्यार जो चीज है ना वो बहुत बड़ी चीज है, और इज्जत तो चीज है ना बहुत बड़ी दौलत। मेरी इस इज्जत को यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसी लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके, हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम पूछना चाहते हैं ऐसा क्यों? सोनू सूद सर जनता के भगवान है, हमसे 1200 रुपए लिया गया। हम सोनू सूद सर के फैन थे और मनीष भैया के फैन, आदर्श भैया के फैन है। एक मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग आ रहे हैं, बट गेट पर गए तो आदर्श भैया नहीं आए। हम 8 बजे तक वेट किए हैं, नहीं आए इसलिए हम एंट्री नहीं किए हैं। इसका पैसा कौन देगा? हम फैन बोलेंगे। उसमें राजनीतिक नारा लगाया, ये राजनीतिक स्टैंड है क्या? देखिए भाई, हम तो एक कलाकार है, और हमको ये सब चीज तो समझ में नहीं आता है कि क्या राजनीति क्या नहीं है। हम ये सब चीज में कभी आए ही नहीं है। हम तो मोदी जी का भी आवाज करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लालू जी का भी एक्टिंग करते हैं, हम राहुल गांधी जी का भी करते हैं, जितने पार्टी सबका करते हैं। हम तो सबको अपने गले में मिला के चल रहे हैं, हम तो सब तो अपने गले में मिला के चल रहे हैं। बाहर की दुनिया में क्या लड़ाई हो रही है, हमको क्या मतलब है? हम तो एक इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम सबको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके नाम पर टिकट बेचा गया है और आप ही को नहीं बुलाया गया। हमसे मिलने के लिए 1200 रुपए लग रहा है, मिल भी नहीं पाया। अभी भी आपका फैन आपका टिकट लेकर घूम रहा है और आप ही को नहीं बुलाया गया। और भाई ऐसा बहुत है। मेरी खुद आशाएं थी कि मैं हो सकता कुछ अंदरूनी क्या क्या बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट यार मेरे को खबर तो करो यार, मेरे को एक कॉल तो करो यार, ऐरा जा रहा तो नहीं है यार। मैंने भी आदर्श भाई को एक बार मैसेज आया था। तो ऐसा तो नहीं कि सोनू सूद को भी राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है बिहार में? हमें हमको तो ये सब नहीं पता भैया, ये सब तो उनसे ही जाके पूछिए जो ये सब कर रहे हैं। हमें तो बस एक कलाकार के प्रति मेरे को बस यही कहना है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और उस आर्टिस्ट की जो कदर होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होती है। और आवाज वाला थोड़ा निकाल दीजिए। मैं एक बात करना चाह रहा हूँ। सभी लोग जिसके बारे में आप जिंदाबाद करते रहते हैं, के बारे में एक बात आप देखिए, पहले कलाकार का क्या इज्जत करते हैं, इस तरह से बिहेव किए। हम सब एक कॉल पे आ गए, लेकिन इस तरह से बिहेव किया हो भैया मेरे रात भर रोया, कभी भी भैया नहीं रोते, इसलिए सबको इंटरटेन करता है, ये गलत बात है कि नहीं? अभी आप सब सोचिए, हम सब तो कुछ नहीं, हम सब के साथ जो हो रहा है हम सब खेत में, वो खुद रो रहे हैं। हम रात भर भैया रोया, वो 9 बजे कॉल किया इस तरह से, और ये भी बोल दिया कह रहे हैं आप टेंशन मत लो। यही है भैया कि दोबारा उनका कॉल नहीं आया, सुबह आया। यही कि मेरा प्रश्न यही है कि आपने फिर मुझे कॉल किया ही क्यों, जब इतना सब कुछ खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हुआ 11 बजे, अब उस वक्त कॉल करके बोल देते कि ये चीज हुआ है। अब सूट उठ के अगले दिन कॉल करके हमको बोल रहे हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जब बोला कि ये सारी चीजें हुई हैं, आपने चीजों को ढकने की कोशिश की, और लास्ट में आप बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज को इग्नोर करके आगे बढ़ने का आदर्श, ये सब छोटी छोटी चीज तो मेरे लिए तो नहीं है। दूसरी बात ये, उन्होंने बोला कि मुझे एक बार तो इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करने दो, वो बात कर ही रहे हैं। किसी गरिमा वाले के लिए छोटी चीज नहीं हो सकती। वो भी एक छोटा छोटा नाली दिखा के ऊपर उठे हैं। मुझे इनवाइट किया था आदर्श चिपके कि तुम्हें सम्मानित करेंगे सोनू सूद सर। अच्छा आदर्श भैया, पहले अपने आप को संभालिए, और ये बिहार की जनता को सोचना होगा, अगर इतने बड़े कलाकार के साथ ऐसा होता तो हम जैसे कलाकार को, हम जैसे मीडिया वाले को कौन पूछने वाला था? इसी मीडिया के बलते वो खड़ा हुए। जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कि तकलीफ किस बात की है। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हो रहा है, मुझे तकलीफ किसी बात की नहीं हुई है। मुझे बस इतना हुआ है
कि मैं जो यहाँ पे आया था बिहार वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए आया था, और बिहार का थोड़ा बहुत मान बढ़े, लोगों तक जो मेरा टैलेंट है मैं स्टेज पर उन सर के सामने मैं करूँ। मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी की थी बकायदा, वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं करने मतलब मिला, कोई सामने से जो रिस्पॉन्स होता वो मेरे को नहीं दिया गया। खाना क्या है, पीना क्या है, उसके लिए नहीं पूछा गया, कहाँ हो तुम, मरे बचे आदर्श क्या है, कुछ भी नहीं। ना इवेंट ऑर्गेनाइजर की मैडम ने की, ना हमारे मनीष भैया ने किया, हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है, इज्जत के हकदार थे वो नहीं मिला, हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है, क्या मामला है, क्या बात नहीं, आप तो उस लाइक को नहीं समझा गया कि आप स्टेज शेयर करने के लायक आपको समझा नहीं गया। मैंने वीडियो बनाया भाई, मैंने वीडियो बनाया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं कितना खुश था, मैं वीडियो आ रहा हूँ। उनका मानना ये भी तो हो सकता है कि आप उनके साथ स्पेस शेयर करने का लायक नहीं है। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, उनके लिए बस हम यही कहना चाहते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उनके लिए ही था, ना जाने मेरे जैसे बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं उनके साथ भी शायद ऐसा हुआ है, उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं सामने आकर बढ़कर मैं ये बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी किसी को भी पल भर में क्षणिक भर में भगवान ने मान लो भाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हाँ सोनू सर ने काम किया है उसका सल्यूट है। आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, ओबे हिम, एंड आने वाले कल मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरी जो मेहनत है जरूर एक ना एक दिन हम जरूर उनके साथ काम करेंगे। ये कोई इस चीज का कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि आओ तुमको मिला देते हैं, ठीक है, आओ तुमको मिला देते हैं। हम सिर्फ इस प्रोग्राम में आए थे, आप लोग के लिए आए थे, बिहार के वासियों के लिए आए थे, और हम इज्जत करते थे भैया को, और उनके एक कॉल पे आए थे, और उसके बाद ना कॉल का रिप्लाई किया ना मैसेज किया, लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। और आगे आगे उनके कहने पे हम ये कहना चाहेंगे कि छोटी मोटी बात इग्नोर करते हुए, चलो हमसे तो इग्नोर नहीं होगा भाई, क्योंकि छोटी बात नहीं है, आगे हम बता रहे हैं, आगे आगे की बात यही है कि आगे जो कह रहे हैं कि छोटी मोटी बात इग्नोर करते हुए चलो तो हमसे ही सब नहीं होगा। बिहार का लड़का है, डंका का चोट में सीना ठोक के बात करते हैं, तो कहने का बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि इग्नोर करते हुए चलो, ऐसा तो आते जाते रहता है, तो हमको यही कहना चाहेंगे, जो मिल सका ना हमको तसल्ली तो मिल गई है, जो मिल सका ना हमको तसल्ली तो मिल गई, आई बाहर शाख पे कली भी खिल गई। तो बस इंतजार था हमको जिसका, वो गुल खिला नहीं, नसीब में था जो हमको नहीं मिला, खैर आने वाला कल मिला देगा। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो।